मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बांसगांव थाना क्षेत्र के देवराण बाबू गांव में स्थित नवनिर्मित 8 करोड़ की लागत से बने अग्निशमन केंद्र का लखनऊ से वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में सरकार द्वारा प्रदेश में 97 अग्निशमन केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति दी थी, जिसमें से 30 केंद्र बनकर तैयार हो चुके हैं। इनमें से आज 18 जनपदों के 25 नवनिर्मित केंद्रों का लोकार्पण कर जनता की सेवा में समर्पित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में अग्निशमन विभाग में 3000 फायर कर्मियों की भर्ती कर देने से इस बल की ताकत और बढ़ गई है। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेस, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा, SP साउथ अरुण कुमार सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार, SDM बांसगांव दिग्विजय सिंह, CO बांसगांव अंजनी कुमार पांडे, जगत राम कन्नौजिया, BDO ब्रिजेश कुमार यादव, नायब तहसीलदार अभिषेक मिश्रा, बांसगांव थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अग्निशमन केंद्र तक पहुंच गई है। प्रदेश में अग्निशमन सेवा न केवल अग्नि दुर्घटनाओं बल्कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं पर भी अपनी सेवा देती रही है। इसी क्रम में आज अग्निशमन विभाग द्वारा 25 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कदमों से संपन्न हो रहा है। लोकार्पण कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े हुए हैं, उनका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगी पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस के पुष्पगुच्छ के माध्यम से हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आप सभी की तालियों के मध्य स्वागत अभिनंदन वंदन। पूरा निवेदन है बेंगलुरु मध्य अपर मुख्य सचिव गृह अति आदरणीय श्री अमरीश कुमार अवस्थी, उनका लिंक दे करके इनको बताया जा रहा है और इनका व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने हर ब्लॉक में बना दिया है और इनसे प्रियजनों का संवाद बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा। इनकी ट्रेनिंग भी हम लोगों ने 3 दिन की करवा दी है तो फायर प्रिवेंशन में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान सारा काम हम लोग कर रहे हैं। फायर फाइटिंग और फायर प्रिवेंशन के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में फायर अग्निशमन अधिकारियों का कर्मचारियों का बहुत सराहनीय योगदान रहता है। अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए कहीं पे ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, मेजर ट्रेन क्रैश हो जाए या कोई नेचुरल कैलेमिटी, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से युक्त उन्हें फायर टेंडर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। वह कैसे कार्य करता है, कैसे उसका बेहतरीन उपयोग आप कर सकते हैं, यह भी बाहर कुछ देर के बाद यहाँ पर देखने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होगा। तीनों को फायर सर्विस के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, इससे जब भी इस तरह की कोई दैवीय आपदा आती है या मैन मेड डिजास्टर आता है उसमें हमारा रिस्पॉन्स बेटर हो सके।